सब गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से भाइयों के अकाउंट ऐसे होते हैं कि वो यहाँ से यूज ही नहीं करते, यानी कि काफी दिन हो चुका है उनको यहाँ से अपने अकाउंट को यूज करें क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार। कभी कभी बहुत से ऐसे होते हैं कि जॉब भी करते हैं और उनको अपने अकाउंट को यहाँ से ग्रो भी करना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे कि इंस्टाग्राम को ये लगे कि ये अकाउंट एक्टिव है। तो वो क्या करते हैं, आपके अकाउंट को टोटली यहाँ से शैडो बैन या यहाँ से आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। अब आपको अनफ्रीज कैसे करना है वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यदि आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स और हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाती है। तो करें स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आपका अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। आपका अकाउंट फ्रीज होने के कारण ये होते हैं कि आपके अपने अकाउंट में यहाँ से बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो, कुछ भी रील्स अपलोड नहीं करनी, कुछ भी यहाँ से स्टोरी नहीं लगानी, पोस्ट अपलोड नहीं करनी। तो इससे क्या होता है, आपका अकाउंट टोटली यहाँ से फ्रीज हो जाता है, क्योंकि आपके अकाउंट में कोई भी इंगेजमेंट नहीं आ रही, कुछ भी यहाँ से ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही जिससे कि इंस्टाग्राम को पता लगे कि यार एक्टिव अकाउंट है, इसमें यहाँ से रिकमेंड करे आपकी पब्लिक को। तो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है जिससे आपका अकाउंट टोटली यहाँ से फ्रीज हो जाता है। अब आपको ये तो पता चलेगा कि आपका अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। बहुत से भाई ये भी कहते हैं कि भाई मेरी यहाँ से अकाउंट में यहाँ से फॉलोअर तो अच्छे खासे, यानी कि 4-5 हज़ार यहाँ से फॉलोअर्स हैं, पर जो मेरा अकाउंट है उस पर जो रील्स वायरल नहीं होती है, यानी कि मेरे 5-6 हज़ार फॉलोअर्स हैं तो यहाँ से मेरी 1 हज़ार तक की यहाँ से व्यूज नहीं आती है। वो क्यों नहीं आती है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी भी यही बड़बड़ कर रहे हो कि भाई आप क्या करते हो, आपने फॉलोअर्स तो गेन कर लिए, यानी कि आपने मेहनत करके यहाँ से फॉलोअर्स तो गेन कर लिए, पर आपकी जो रील्स होती है वो वायरल नहीं हो रही है। क्योंकि इसका कारण ये है कि यहाँ से आप अपने अकाउंट में रेगुलर नहीं हो। फिर वही बात आती है कि आप अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए, रील्स वायरल करने के लिए, भाई आपको यहाँ से ग्रो करने के लिए अपनी रील्स पर, अपनी स्टोरी पर, अपनी पोस्ट पर यहाँ से रेगुलर काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपको यहाँ से इंगेजमेंट बढ़ेगी और आपकी रील्स वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके कुछ दिन यहाँ से 1,000 भी आएंगे व्यूज़, और यहाँ से 3,000 भी आएंगे, यहाँ से 500 भी आएंगे, पर डेफिनेटली आपकी यहाँ से मिलियंस में व्यूज़ जाएंगे यदि आप रेगुलर काम करोगे। वो कहते हैं ना कि यदि आप लगन से या मेहनत से काम करोगे तो डेफिनेटली आपको मंजिल तो जरूर मिलेगी। वही काम यही है कि आपको अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए यहाँ से आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अब आपको ये पता लगाना है कि आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आपको फ्रीज तो हो चुका है, उसको अनफ्रीज कैसे करना है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अकाउंट में रेगुलर रहना है, यानी कि आपको अपने अकाउंट को रेगुलर करना है। आप अपनी रील्स अपलोड कर सकते हो, यहाँ से स्टोरी लगा सकते हो, यहाँ से एक दिन में आपको कम से कम स्टोरी तो लगा लेनी थी। आप रील्स पोस्ट अपलोड नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट आप यहाँ से स्टोरी तो लगा सकते हो। हफ्ते में कम से कम एक वीक में आपको यहाँ से एक पोस्ट या रील्स अपलोड करनी है, क्योंकि इंस्टाग्राम को आपको ये महसूस नहीं करवाना है कि इसमें कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं हो रही है जिससे कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। तो आपको क्या करना है, एक वीक में कम से कम यहाँ से आप एक रील्स और पोस्ट अपलोड कर ही सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम को ये लगा कि यार इसमें इंगेजमेंट बढ़ रहा है, रीच भी बढ़ेगी आपकी। इंस्टाग्राम कभी कभी ऐसा होता है कि एक हफ्ते में रील्स अपलोड करते हो तो वो भी यहाँ से आपकी वायरल हो जाती है। तो यहाँ से आप अपने अकाउंट को फ्रीज करने के लिए यहाँ से आपको रेगुलर रहना है। अपने अकाउंट में यदि आप करियर बनाना चाहते हो तो यहाँ से अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए यहाँ से आपको रेगुलर रहना है। यदि आप एक हफ्ते में नहीं, यहाँ से मिनिमम जैसे आपको बताऊँ तो आपकी रील्स वायरल होने के लिए यहाँ से 3 दिन में आपको 2 रील्स अपलोड करनी है। 3 दिन के 2 रील्स अपलोड करोगे तो डेफिनेटली आपकी 2 रील्स में से 1 रील्स तो डेफिनेटली आपकी रील्स वायरल हो जाएगी, जिससे कि आपका रीच बढ़ेगी, एंगेजमेंट बढ़ेगा और यहाँ से आपका अकाउंट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अकाउंट अनफ्रीज से लेके जो आपके सारे डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज एंड हेल्पफुल जरूर सी भी लगी हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड ऐसी टिप्स और टिप्स और नए अपडेट्स इन फ्यूचर में सारे आपको चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, टेक केयर एंड बाय।